एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डबल लेयर कैनकैन स्कर्ट बनाना बताऊंगी। कैनकैन स्कर्ट का यूज़ हम किसी भी लहंगे में या फिर गाउन में पहन करते हैं, ठीक है। हम स्कर्ट को पहन लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें अगर कोई ड्रेस ऊपर से पहनते हैं तो हमारे ड्रेस में घेर आ जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको हर एक ड्रेस में अलग से कैनकैन लगाना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही कम खर्चे में कैनकैन स्कर्ट बना सकते हैं और इसे हर ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए आपको बस सिंपल सा एक स्कर्ट बनाना पड़ता है कॉटन फैब्रिक का, और उसमें आपको कैनकैन जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में वो कैनकैन को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें कॉटन फैब्रिक, ठीक है, कोई भी कलर का ले लीजिए, खास करके अगर आप जो कलर का कैनकैन है उसी कलर से का ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कैनकैन इस तरह से, ये कैनकैन थोड़ा मोटा मोटा टाइप का होता है, इस तरह से डबल लेयर करके आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये इस तरह से डबल करके रहता है और ये आपको लगभग 3 मीटर लेना है, ठीक है। कॉटन का फैब्रिक 2 मीटर लेना है और कैनकैन 3 मीटर लेना है। कैनकैन आपको कम से कम 40 से 50 रुपये मीटर मिल जाएगा, और कॉटन का फैब्रिक आप 2 मीटर ले लीजिए, 50 रुपये मीटर वाला, जो साया बनाने का जो कपड़ा होता है वही वाला लीजिएगा कपड़ा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसे सबसे पहले अपना स्कर्ट का हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो स्कर्ट हम ए लाइन का स्कर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम जितना नीचे अपना ए लाइन स्कर्ट का घेर रखेंगे उस हिसाब से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, जितना हमें नीचे घेर चाहिए उस हिसाब से। तो हमें नीचे का घेर 34 इंच चाहिए, ठीक है, एक तरफ का। तो हम उसका हाफ़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 इंच। तो 17 इंच का 4 डबल कपड़ा ले लीजिए इस तरह से आप, ठीक है। और क्या करिए, साइड में ऊपर में जो पोरी वाला कपड़ा है उसे आप काट कर अलग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने कमर का निशान लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम, कमर हमारा 32 इंच है तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, जहाँ पर बंद भाग है, जहाँ पर हमारा कपड़ा बंद है उस तरफ हम ऊपर में एक तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। इस तरह से 8 इंच पर एक निशान लगाइए, उसके बाद 1 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए। अब हम 1 इंच मार्जिन लेकर वो निशान लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम ऊपर से अपना लेंथ नापेंगे। अब हमें लेंथ जितना रखना है, हमें टोटल लेंथ चाहिए 33 इंच, ठीक है। तो हम ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो 1.5 इंच हम 33 में 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 31.5 इंच, ठीक है। तो हमें 31.5 इंच चाहिए, लेकिन हमें स्कर्ट में भी तो नीचे फोल्ड करना है और ऊपर बेल्ट में भी थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए भी हमें चाहिए, तो हमें 1.5 इंच फिर इसमें प्लस करना होगा। तो हम 33 इंच टोटल, हम अलग से 33 इंच ही हम कपड़ा काटेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम नीचे फोल्ड करेंगे और ऊपर फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच कम हो जाएगा। कम हो जाने से फिर बेल्ट जब 1.5 इंच का लगाएंगे तो फिर मिलकर टोटल 33 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 33 इंच जहाँ पर आया वहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद जहाँ हमारा कमर वाला निशान है और नीचे वाला लेंथ का निशान, उसे तिरछा मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस तरह से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे आप मार्क किए हैं अब उसी तरह से सेम इसकी कटिंग कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, और जो नीचे से जो कपड़ा बच रहा है एक इंच का, उसे हम क्या करेंगे, अपना कैनकैन के किनारी जो कैनकैन का कोरी होता है उसमें हम लगाने में हमारा ये कपड़ा काम आ जाएगा। तो हम इस तरह से इस कोरी को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये कपड़ा हमें कैनकैन के नीचे में लगाना है, ये कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होगा। और जितना कपड़ा घटेगा तो हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इसे बराबर करके आप अलग करके रख लीजिए। अब हम अपना कमर का बेल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो बेल्ट का हम चौड़ाई कितना रखेंगे अपने कमर के अनुसार, ठीक है। और लेंथ तो हम 1.5 इंच लेंगे, तो 1.5 इंच
हमारा तैयार चाहिए। तो डेढ़ इंच हमारा पीछे की तरफ फोल्ड होगा और आधा इंच सिलाई के लिए। तो 3.5 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे, फिर 3.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हम कपड़े को काट लेंगे। तो अब हमारा जितना कपड़ा बचा हुआ है हम देखेंगे कितना है, ठीक है। तो इसे हम नापेंगे तो हम देखेंगे कपड़ा डबल फोल्ड में, ठीक है। तो डबल फोल्ड में 16.5 इंच आ रहा है। तो हमें तैयार चाहिए कितना, 32 इंच तो हमारा कमर है, लेकिन हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट के लिए, ठीक है, जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो हमारे 32 में 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 इंच, और डेढ़ और हमारा 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि दोनों साइड बेल्ट का किनारा फोल्ड होगा और जब हम दोनों कपड़ों को जॉइंट करेंगे तो उसमें आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच का हाफ हम कर लेंगे और उस हिसाब से हम अपने कमर के बेल्ट के लिए कपड़ा काट लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करना है वो समझ लीजिए। पहले हम दोनों स्कर्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और रखने के बाद एक साइड से जॉइंट कर लेंगे। एक साइड खुला रखेंगे, एक साइड सिर्फ जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम नीचे का बॉटम फोल्ड कर लेंगे 1 इंच, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो कमर पट्टी के लिए जो कपड़ा घट रहा था उसे हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे अपने स्कर्ट में इस कमर पट्टी वाले कपड़े को जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हमें जॉइंट पीछे तरफ से करना है। तो हम जॉइंट करने से पहले एक और काम करना है, वो क्या करना है, हमारा एक साइड जो हमारा दोनों खुला हुआ है उसका हमें किनारा हल्का हल्का तिरछा इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे हम साया में फोल्ड करते हैं, ठीक उसी तरह से हम दोनों साइड इस तरह से कम 6 इंच तक हम इस तरह से तिरछा करके हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ फोल्ड हो चुका है। फोल्ड होने के बाद अब हम अपना कमर वाला पट्टी वाला जो कपड़ा है उसे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से कपड़े में जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। जॉइंट करने के बाद आगे की तरफ पलट लेंगे। आगे की तरफ पलटने के बाद अब हम इस तरह से इसे थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें बैठा कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और याद रखिएगा एक तरफ से थोड़ा सा कपड़ा हमारा 3 इंच बड़ा होना चाहिए जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो इस तरह से आप कपड़े को बैठा कर सिलाई कर लीजिए। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से कमर पट्टी आपका बैठ चुका है। अब देखिए हमारा जितना हमें लेंथ चाहिए था उतना आ गया है। देखिए ऊपर से हम नीचे तक नापेंगे तो हमारा 33 इंच आ चुका है। 33 इंच हमें तैयार चाहिए था। और ये जो साइड में कपड़ा बढ़ा हुआ है इसमें हम हुक लगाएंगे और एक साइड काज लगाएंगे। तो जब हम पहनेंगे तो अपने हुक को लगा लेंगे। अब हम अपना कैनकैन का मेजरमेंट समझ लेते हैं। कैनकैन को हमें एक कैनकैन को हमें थोड़ा सा छोटा साइज रखना है और थोड़ा सा एक को बड़ा रखना है, ठीक है। तो एक का हम लेंथ इस तरह से 17.5 इंच रखेंगे और एक का हम 22.5 इंच रखेंगे। तो इसे हम काट लेंगे, ठीक है। काट कर हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हम नीचे से पट्टी निकाले थे 1 इंच का जो हमारा कपड़े में से बचा था उसे हम एक बड़ा वाला कैनकैन जो हमारा 22.5 इंच वाला है उसमें हम क्या करेंगे, नीचे का कोरी है जो उसमें हम कपड़ा लगाकर इस तरह से उसे मजबूत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक साइड हम पूरे में कपड़ा लगा लेंगे। लगाने के बाद उसका दूसरा साइड हम इस तरह से कपड़ा को हल्का तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे, जिससे कि हमारा कोरी मजबूत हो जाएगा, जल्दी फटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से पूरे में कोरी को हम फोल्ड कर लेंगे कपड़ा लगाकर। उसके बाद हम इसका एक साइड ऊपर वाला साइड हम चून बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें चून बनाना बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने हाथ की हेल्प से इस तरह से चौड़ी चौड़ी चून बनाएंगे, ठीक है। कम से कम 1.5 इंच चौड़ा चून बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हाथ की हेल्प से थोड़ा सा कैनकैन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम चून बनाएंगे। फिर हम 1.5 या 2 इंच की दूरी पर फिर इसी तरह प्लेट बनाएंगे। आपको 1.5 या 2 इंच का दूरी पर इस तरह से प्लेट बनाते जाना है, प्लेट या चून जो बोलिए। तो इस तरह से पूरे में आप प्लेट बना लीजिए, ठीक है। देखिए हम पूरे में बना लिए हैं। और अगर फिर उसके बाद क्या करिए आप नीचे से, ठीक है, ये जो पहले से स्कर्ट में मार्क किया हुआ है वो गलत मार्क है, उसको उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। नीचे से आपको जितना जहाँ तक आपका स्कर्ट है वहाँ से आपको कैनकैन रखना है और रख कर नापना है। जहाँ पर आपका कैनकैन आ रहा है वहाँ से बैठा दीजिए। इस तरह से आप इसे बैठा दीजिए।
पहले आप बैठाने से पहले एक बार नाप जरूर से लीजिएगा कि आपका कैनकैन और स्कर्ट की चौड़ाई सेम आ रही है कि नहीं। अगर आपका कैनकैन बड़ा हो जाता है तो आप उसमें एक दो चून और बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपका स्कर्ट बड़ा हो जा रहा है तो क्या करिए, चून को खोल लीजिए, एक दो चून कहीं से खोल लीजिए। तो इस तरह से पूरे में आप कैनकैन को बैठा लीजिए। बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे एक और कैनकैन है उसे हम बैठाएंगे, ठीक है। तो उसे बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें भी हम प्लेट बना लेंगे। उसका जो प्लेट बनाएंगे हम, वो दोनों एक वो प्लेट हम एक दूसरे के एकदम आसपास बनाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारा चौड़ाई कम है तो हम नीचे जैसे जैसे हमारा फ्लेयर है स्कर्ट में तो हमारा चौड़ाई बढ़ते जाता है, ऊपर चौड़ाई कम है इसलिए हम उसमें एकदम बगल बगल में प्लेट बनाएंगे। बनाने के बाद हम पहला वाला कैनकैन से दो इंच ऊपर हम इस तरह से कैनकैन को बैठा लेंगे। बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्कर्ट को हम अपना उल्टा करेंगे और कैनकैन को अंदर करेंगे, ठीक है। अब बस हमें अपने स्कर्ट वाला कपड़ा पकड़ना है, ठीक है। अभी हम कैनकैन के ऊपर सिलाई नहीं करेंगे, अब सबसे पहले हम स्कर्ट वाले पर सिलाई करेंगे। तो जहाँ तक हमारा खुला हुआ है वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा हम तिरछा फोल्ड किए थे वहाँ तक हमें सिलाई नहीं करना है। अब हम इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी था उसमें हम हुक लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से काज बना लेंगे, ताकि हम पहनने के बाद क्या करें, इस तरह से हुक को लगा लें। और हाँ, जब आप अपना स्कर्ट सी लीजिएगा तो हम जब सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद अपना जो हमारा कैनकैन है उसे भी आप सिल लीजिएगा, ठीक है। साइड से क्या करिएगा, आप सिलाई लगा लीजिएगा। अब इस तरह से हमारे कैनकैन स्कर्ट रेडी हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत कम समय में और बहुत कम खर्चे में आपका कैनकैन स्कर्ट रेडी होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर।